देख रहे, आप भी देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इससे पहले आपने ये नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार गेळेयरे, आज के दिन का स्पेशल फिर से आपके सामने मैं एक लेके आया हूँ। तो ये पानी की बोतल भी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज के दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण पानी की प्यास भी बहुत लगती है। तो इस वजह से मैं पानी का कभी कभी शाम को भी प्यास लग जाती है, तो शाम को पानी पिलाने के लिए भी मैं पानी लाया हूँ। और मुझे भी प्यास लगी तो मैं भी पानी पी सकता हूँ। और इस जंगल को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है। जैसे कि यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, उतनी ज़्यादा हमको झाल भी नहीं हो रही है, मतलब कि हमको गर्मा ही महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा सुकून है। इस वजह से सांप को भी यहाँ पे छोड़ने के बाद सांप भी यहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रही है वीडियो में, तो आगे चल कर भी बात करते हैं और इसके बाद मैं आपको सांप को भी दिखाऊँगा। और ये हमारा बैग है, इसी में स्पेक्टिकल कोबरा है बोलते हैं। ये मेल है या फीमेल है मुझे पता नहीं, इसको देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बाहर निकालने के बाद तो इसको भी मैं यहाँ पे अभी रिलीज़ कर दूँगा। सबसे पहले इसका ढक्कन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टिक लेंगे। स्टिक लेने के बाद इसको आराम से ऐसे निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक स्पेक्टिकल कोबरा है, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो इसको मैं थोड़ा पानी पिलाऊँगा, पानी पीने के बाद ये फिर अपने हालात में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये हमें मिला था वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ी का इलाका था। और ये एक जो घर का दीवार होता है उसके बीच में छिपा हुआ था सांप। अभी तो धूप का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो इस वजह से सांप क्या करते हैं, कभी कभी ठंडी लेने के लिए घरों के अंदर आ जाते हैं। तो जब लोग इसको खींचते हैं, मारते हैं, निकालते हैं, तो तभी इसका थोड़ा जो उसका स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाता है। तो धूप के वजह से शिद्दत में सांप कभी कभी मर भी जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको अभी थोड़ा पानी डाल रहे हैं, ये पानी पीने के बाद अपने पावर में फिर से आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपनी सांस भी ले रहा है अभी, इससे पहले देखिए तो एक्टिव हो रहा है, अभी ये एक्टिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सांप फिर से अपनी तैयारी कर रहा है। जैसे कि थोड़ा पानी पीने के बाद, ओके बाबा अब तू पानी पी ले, आराम से पानी पी ले। तो आराम से पानी पीने के बाद तेरे को यहाँ पे जंगल पे हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, ओके। तो पानी पी ले, पहले पानी पी ले, ओके। तो देखिए दोस्तों, इसी को कहते हैं सांप को अपने वश में करना। वश में तो सांप कोई भी नहीं होता है, लेकिन पानी पीने ये इंसानियत होती है जो अपनी, इसी को पानी पिलाना कहते हैं। देखिए सांप पानी कैसे पीता है, देखिए मैं जब भी पानी इसको डाल रहा हूँ तो ये पानी आराम से निगल रहा है। देख रहे, आप भी देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इससे पहले आपने ये नज़ारा कभी नहीं देखा होगा, तो जो कि सांप पानी पी रहा है। लोग कहते हैं कि सांप दूध पीता है, तो इसी पलों में दूध भी पीता है और पानी भी पीता है। दूध पीने के बाद ये इसको पचन नहीं होता है ठीक से, तो ये सांप मर जाता है। तो पानी पीने के बाद ये हर एक परिंदे का और वन्य जीवी का एक बहुत मुख्य आहार होता है पानी। तो हर एक सांप पानी पीता है और हर एक चिड़िया भी पानी पीती है, हर एक परिंदा, हर एक जानवर पानी पीता है। जैसे कि इसको पानी नहीं था तो इस वजह से ये हड़बड़ा रहा था। जब मैं पानी डाल रहा हूँ इसको, तो ये इतनी अच्छी पानी पी रहा है, देखिए बूंदों को आराम से मुँह में ले रहा है। और देखो ये अपने आप में एक बहुत मुझे खुदा की इसमें कुदरत दिखाई दे रही है, जैसे कि ये पानी पी रहा है। मुझे बहुत आनंद लग रहा है कि मैं एक सांप को यहाँ पे फिर से बचाने के लिए इस वातावरण में लेके लिए आया हूँ। तो देखिए वाह, ये बहुत शानदार मुझे लग रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये सांप पानी पी रहा है, वाह देखिए अपनी ज़बान को निकाल के पानी पी रहा है। फिर हाफ लीटर का पानी का बॉटल मेरा पूरा ख़त्म हो गया। हम तो इंसान हैं, कहीं भी पानी मांग के भी ले सकते हैं, ढूंढ के भी ले सकते हैं। ये तो एक वन्य जीवी है, इस जंगल में पानी कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है, तो पानी कहीं भी ख़त्म हो सकता है। इस जो गर्मी के वजह से जो हमारे ज़मीन होती है इसमें पानी खींचा चला जाता है, और बारिश आने का सीज़न तो अभी लेट है। बारिश आने के बाद फिर से वन्य जीवी अपना संसार बसाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में हमें क्या करना है, घरों के आस पास में हो या जंगल में हो, तो कहीं भी
पेड़ में हो या तो घरों के आसपास में बकेट में पानी डाल के रखिए, क्योंकि कोई भी जानवर आए पिए चले जाए। अभी देखिए थोड़ी देर पहले इसमें जान नहीं थी, खुदा की देन है जो ये मेरे हाथ में मिला है, तभी तो ये देखिए। अभी मैं इसको आराम से यहाँ पे पकड़ के भी बैठा हूँ, मतलब ये अभी सुकून ले रहा है, मतलब कि पानी भी इसको मिला है तो ये आराम से अभी इस पर्यावरण में चलने के लिए तैयार है। तो मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पानी पीने के बाद फिर से अब इस फॉरेस्ट इलाके में रहने के लिए जा रहा है। तो चलिए इसको अभी यहाँ से हम लोग रवाना कर देते हैं। चलो बाबा, आपकी लाइफ में आप आराम से रहे। तो मैं हर एक अपने व्यूवर से कहना चाहता हूँ, आपके घरों के आसपास में जो भी छोटा डब्बा वगैरह टप वगैरह हो तो उसको कट करके उसमें पानी डाल के रखिए, क्योंकि जैसे कि गाय है, जैसे कि चिड़िया है, जैसे कि ऐसे वन्य जीवी है, तो ये सब पानी पी के अपना जीवन बिताए। तो देखिए कितना अच्छा चला जा रहा है आराम से। तो साथियों, मैं एक छोटा सा प्लान आपको देने वाला हूँ अभी यहाँ पे। जैसे कि आपके घरों के आसपास में दुकानों में ऐसे डब्बे मिलते होंगे, इसको कट कीजिए। कट करने के बाद इधर से उधर से तार मार के इसको आपके घरों के पेड़ के पास में आप टंगा सकते हो। इसमें दाना डालो या पानी डालो, चिड़िया जब भी आएगी पानी पी के जाएगी, या ऐसे सांप वगैरह आएंगे तो पानी पियेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अभी, मेरा ये प्लान कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं इतना कहते हुए मेरा इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार अगड़े। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना, देखेंगे इस बार मेरे चैनल को कितना व्यूज़ और कितना लाइक आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अलविदा कहते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार अगड़े।